रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे यूट्यूब चैनल एसजेबी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब अच्छे में होंगे, हम भी अच्छे में हैं। हम आज आपके साथ एक बढ़िया रेसिपी शेयर करना चाहते हैं। हम आज गार्लिक बटर पास्ता बनाएंगे। हम कैसे बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। हम इसके लिए दो हरी मिर्च लिए हैं और 6 से 7 कली लहसुन का लिए हैं, 1 बड़े प्याज लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं। हम पास्ता लिए हैं, मैक्रोनी 250 ग्राम मैक्रोनी लिए हैं। इसका पहले कटिंग कर देते हैं। हम सारे चीज़ों को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। लहसुन को इस तरीके से कट कर लेंगे। वन टेबल स्पून जितना है हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। देखिए ना उंगली दिखा। हम सारे चीज़ों को कटिंग कर लिए हैं। चलो हम अब माइक्रोनी को उबाल लेंगे। पहले हम पानी को उबाल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद उसको डाल के उबाल लेंगे। 5 से 10 मिनट हम इसे उबाल लेंगे, उसको छान लेंगे। ऐसे बनाते हैं मैक्रोनी। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और थोड़ा सा
बटर डालेंगे, 50 ग्राम जितना ही बटर डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ये बटर खाली करें तो बटर के साथ ऑयल मिलाए तो बटर हमारा जलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जब भी करें थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड कर लें। जैसे ही ऑयल और बटर गर्म हो जाए हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक क्रश किया गया डाल लेंगे, इसे थोड़ा सा भूनेंगे। फिर उसमें 2-3 हरी मिर्च डालेंगे, फिर उसमें प्याज डाल लेंगे, प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब जो आप जब इस तरीके से बनाए होंगे तो अच्छी बात है, जब नहीं बनाए होंगे तो एक बार ज़रूर बना के खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे खाकर, इसे आप टिफिन में भी ले सकते हैं। हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे प्याज को, थोड़ा सा पिंक करेंगे। उसमें 2 टमाटर छोटे छोटे टुकड़े किए गए डाल लेंगे, ऐड करेंगे। टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे, बच्चे बड़े सब मज़े से खाएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, आप हमारे साथ देना तो आगे हम बढ़ पाएंगे। टमाटर हमारा गल गया है थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा सा गाजर डालेंगे, कद्दूकस किया गया गाजर डाल लेंगे, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि ना मैक्रोनी में हम नमक डाले हैं इसलिए थोड़ा सा डालेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे,
फिर उबला हुआ मैक्रोनी डालेंगे जिसे हम मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें कोई भी और सब्जी डाल सकते हैं वेजिटेबल। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, थोड़ा सा इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस डालेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसमें। थोड़ा सा टमाटर केचप डालेंगे, थ्री टेबल स्पून हम केचप डालेंगे टमाटर केचप। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें हम लो फ्लेम में कवर करके इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सब सारे सब्जी और मसाला इसमें, इसका खुशबू इसमें सोख कर जाए, इसमें आ जाए, उस टाइम तक हम 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे कवर करके। मैक्रोनी हमारा हो गया है तैयार। इसे हम अब चूल्हे कर लेंगे बंद, इसे हम सर्व करेंगे। देखो कितना सुंदर बना है हमारा मैक्रोनी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखोगे।